हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट कुकिंग में। और दोस्तों, जब छुट्टी का दिन होता है तो कुछ मन करता है कुछ स्पेशल बनाया जाए और सबके लिए कुछ स्पेशल किया जाए। तो आज हम आपके लेके आए हैं छोले। तो छोले हमने 250 ग्राम छोले लिए हैं, ये देखिए। और ये छोले हमारे चने काबुली वाले जो चने आते हैं वो चने हैं। आप चाहें तो देसी छोले भी ले सकते हैं, देसी चने का भी छोला बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा बनता है। लेकिन हमने जो लिए यहाँ पे काबुली वाले चने लिए हैं, और इनको कल रात में मैंने भिगा दिया था, जो पूरी रात भीगे, मतलब कम से कम 8 से 9 घंटे। और भिगाने के बाद इनको मैंने केवल साधा नमक डाल के इसको मैंने बॉयल कर लिया है। तो ये देखिए, हमारे बहुत अच्छे से बॉयल भी हो चुके हैं। ये देखिए, एकदम बढ़िया सा मैश हो रहे हैं। और इनको हमने बॉयल करके निकाल लिया है कुकर से। और ये हमने 3 टमाटर लिए हैं, इनको हमने छोटा छोटा काट लिया है। ये हमारी 2 प्याज है बड़ी, इसको हमने छोटा छोटा काट लिया है। और ये हमारी 4 मिर्च है, क्योंकि मिर्च हमारी थोड़ी सी कम तीखी है, तो इसलिए हम 4 डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और ये हमने 4 इंच का लगभग अदरक का टुकड़ा लिया है। और ये हमने 2 गांठ लहसुन लिया है, इसको हमने छील के साफ कर लिया है, अच्छे से धुल लिया है सारी चीज़ों को। और ये हमारा जीरा है। और ये हमने मसाला लिया है, जो हमारा दरदरा मसाला, हमने इसको पीसा है। इसमें हमारी 4 लौंग है, 4 काली मिर्च है, और जावित्री है, दालचीनी का टुकड़ा है, बड़ी इलायची के दाने हैं। इन सब सारी चीज़ों को मिक्स करके हमने इसको दरदरा पीस लिया है। और ये हमारा तेज पत्ता है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं छोले। आज छुट्टी का दिन है तो कुछ स्पेशल मन कर रहा है कि कुछ स्पेशल बना लिया जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना छोले। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमने ग्राइंडर जार लिया है, इसमें ये अदरक है हमारी, और ये हमारा हरा मिर्च है, इसको हम तोड़ के ऐसे इसमें डाल देते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम प्याज लहसुन का पेस्ट रेडी कर लेते हैं। ये हमारा लहसुन है और ये हमारा प्याज है। अब हम इन सब चीज़ों का फाइन पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से, अब हम इसको फाइन पेस्ट बना के रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने प्याज को भी पीस लिया है और इसी तरह से हमने टमाटर को भी पीस लिया है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। और तो चलिए हम सबसे पहले गैस ऑन करते हैं, और हमने ये कढ़ाई लिया हुआ है, और अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल हमने सरसों का लिया है, आप जो ऑयल यूज़ करते हैं आप वो डाल सकते हैं, ऑलिव ऑयल है या आप रिफाइंड ऑयल है, जो भी आप यूज़ करते हैं आप वो डाल सकते हैं। हमने 2 बड़े चम्मच इसमें सरसों का ऑयल डाला है। ये देखिए दोस्तों, हमारा तेल गर्म हो चुका है, और अब हम इसमें डालते हैं जीरा जो हमने 1 चम्मच लिया है, और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें तेज़ पत्ता। और तेज पत्ता के साथ हम थोड़ा सा जीरा को लाल होने देते हैं, थोड़ा सा हम मिक्स कर देते हैं अच्छे से। और अब हम इसमें डालते हैं जो हमने दरदरा मसाला लिया है, उसको हम ऐड कर देते हैं, और इसको भी हम थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं अच्छे से। और अब हम इसमें ऐड करते हैं जो हमने प्याज लहसुन का पेस्ट बनाया था, इसको हम ऐड कर देते हैं, और इसको हम अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसको हम जब तक प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए या तेल ना हमारा छोड़ दे, तब तक इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए, हमारा एकदम बढ़िया सा प्याज लहसुन पक रहा है, और इसको हम अच्छे से भून लेंगे जब तक हमारा प्याज तेल ना छोड़ दे, क्योंकि नहीं तो फिर कच्चा कच्चा लगेगा और गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक। अभी थोड़ा सा और पकना बाकी है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कच्चा रह गया तो पूरे छोले का टेस्ट बिगाड़ देगा हमारा लहसुन और प्याज, तो इसलिए थोड़ा सा भी इसको हम और भून लेते हैं अच्छे से। ये देखिए दोस्तों, हमारा प्याज अच्छे से भून चुका है, और अब हम मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो मसालों में हमने 2 बड़े चम्मच हमने
धनिया पाउडर लिया है और 1 चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है। ये हमारा गरम मसाला आधा चम्मच है, ये हमारी लाल मिर्च आधा चम्मच है क्योंकि हरी मिर्च हमने ऐड की है, और उसके साथ ही हम रोगनी मिर्च ऐड करेंगे जो हमारा 1 बड़े चम्मच है, क्योंकि ये तीखी नहीं होती है, केवल कलर के लिए होती है, मतलब बहुत कम तीखी होती है। तो अब हम मसाले ऐड कर रहे हैं, तो ये मसाले हमने लिए हैं और अब हम इनको ऐड कर देते हैं। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे जो हमने प्याज और मिर्च लहसुन पीसा था उसका, ये हमने जार को खोल के पानी निकाला है, तो वो पानी हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये देखिए इसमें इस तरह से हम पानी मसालों में ऐड कर देंगे। ये देखिए और इसको हम अच्छे से भून देंगे। नमक हमने पहले डाल दिया था छोले बॉईल करने में, हमको नमक नहीं ऐड करना है। और इसको ये देखिए इस तरह से अब हम इसको भी अच्छे से भून लेते हैं जब तक हमारा मसाला अच्छे से ना पक जाए और तेल ना छोड़ दे हमारा। तो इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया से हमारा मसाला पक रहा है और कितनी अच्छी थिकनेस आ रही है मसालों में हमारे। ये देखिए और इसको बहुत अच्छे से हमको भून लेना है जब तक मसाला हमारा अच्छे से ना पक जाए और जब तक तेल ना छोड़ दे अच्छे से। और ये देखिए हमारा कितना बढ़िया सा मसाला एकदम पक के रेडी हो चुका है। और अब हम इसमें जो हमने टमाटर की प्यूरी बनाई थी उसको ऐड कर देते हैं इस तरह से। ये देखिए और इसको भी हम लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे क्योंकि टमाटर भी हमारा अच्छे से भून जाए और उसका भी टेस्ट और फ्लेवर जो होता है जब हम अच्छे से भून देंगे तो बहुत अच्छा आता है। तो इसको हम भून देते हैं थोड़ा सा जब तक हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए टमाटर और तेल ना छोड़ दे, तब तक इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों हमारा मसाला भी अच्छे से, टमाटर भी अच्छे से भून चुका है। और अब हम इसमें ये हमने 3 बड़े चम्मच छोला मसाला लिया है जो हमारा अशोक का है गरम मसाला छोला मसाला, इसको हमने 3 बड़े चम्मच लिया है क्योंकि छोला मसाला की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी जाती है और थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में इसको आज हम बना रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको बाद में ऐड किया है हमने, क्योंकि होता क्या है ऑलरेडी छोला मसाला थोड़ा सा भुना हुआ आता है तो इसको हम थोड़ा सा ही भूनते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं भूनने की आवश्यकता होती है क्योंकि ज़्यादा भूनेंगे तो इसका जो मतलब इन मसालों में कड़वाहट ज़्यादा तीखापन आ जाता है, तो इसको हमको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बहुत हल्का सा भूनेंगे। उसके साथ साथ हम ये देखिए लगभग 2 मिनट हम इसको भून देते हैं अच्छे से ताकि हमारा छोला मसाला कच्चा कच्चा ना लगे और खुशबू जब हमारे छोड़ने लगे छोला मसाला तो समझ लेना चाहिए कि हमारा छोला मसाला पक चुका है। अरे वाह, अब ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आने लगी हमारे छोले मसाले की। तब उसमें हमने जो छोला छोले बॉईल किए थे उसको हम ऐड कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से छोले हम ऐड कर देते हैं, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ में जिससे कि थोड़ा सा हमारा छोला भी भुन जाए अच्छे से और टेस्ट जो आएगा बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा। ये देखिए इस तरह से हम इसको अच्छे से भून लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए और अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। अभी हम वो पानी ऐड कर रहे हैं जिसमें हमने छोले बॉईल किए थे और ये देखिए वो पानी अभी हमने इसमें ऐड किया है। पानी आप आवश्यकता के अनुसार डालें। ये देखिए इस तरह से अभी पानी की आवश्यकता पड़ेगी हमको, तो अभी हम उसमें पानी और ऐड करेंगे थोड़ा सा। ये देखिए हम इसमें 1 गिलास पानी और ऐड कर देते हैं क्योंकि अभी छोला हमारा पकेगा तो उसको पकने के लिए थोड़ा सा पानी की आवश्यकता पड़ेगी। ये देखिए वैसे तो छोले हमारे बॉयल हैं और अच्छे से गल के पक भी चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा हमको जो मसाले हैं उनको पकाने के लिए पानी की आवश्यकता थोड़ी पड़ेगी। ये देखिए इतना पानी हमने इसमें ऐड कर दिया है और अब हम इसको अच्छे से ढक देते हैं।
ये इस तरह से हम इसको ढक देते हैं और इसको कम से कम हम 10 से 15 मिनट तक अच्छे से पकने देते हैं। 10 मिनट हमारा हुआ है, एकदम बढ़िया सा छोला हमारा पक गया है। कितनी बढ़िया ग्रेवी हमारी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हमारे छोलों से। ये देखिए, अभी इसको हमको थोड़ा सा और पकाना है क्योंकि ग्रेवी अभी हमारी थोड़ी सी पतली लग रही है, तो थोड़ा सा इसको हम 5 मिनट और पका लेते हैं। ये देखिए, अब हमारा एकदम बढ़िया सा 10 मिनट हो चुका है, कितना बढ़िया हमारा पक के रेडी हुआ है छोला। ये देखिए, इसको हमने बहुत धीमी आंच में पकाया है और अभी भी धीमी ही आंच है, क्योंकि धीमी आंच में क्या होता है, मतलब एक सोंधापन आता है, जो सोंधापन आता है सब्जी में बहुत अच्छा आता है उससे टेस्ट। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा गाढ़ा गाढ़ा है। अब हमारा एकदम छोला पक के रेडी हो चुका है और इसको हम 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं, फिर हम इसके बाद प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए, हमारा छोला एकदम बढ़िया सा पक के रेडी हो चुका है। ये देखिए कितनी बढ़िया ग्रेवी हमारी पकी, बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी खुशबू आ रही है हमारे छोलों से और बहुत अच्छे हमारे छोले बन के रेडी हुए हैं। अभी इसको हम कम से कम 5 मिनट ठंडा होने के लिए रख देते हैं, फिर इसके बाद हम इसको सर्व करने के लिए, एकदम हमारा रेडी है छोला। ये देखिए, अब हमारे 10 मिनट हो चुके हैं और एकदम हमारा सर्व करने के लिए छोला रेडी है। ये देखिए कितना बढ़िया और गाढ़ा गाढ़ा एकदम बढ़िया सा बना है छोला हमारा, बहुत टेस्टी और बहुत। अब हम एकदम हमारा सर्व करने के लिए रेडी है छोला। ये देखिए, हम एकदम इसको निकाल लेते हैं, बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी हमारा पक के रेडी हुआ है छोला। ये देखिए दोस्तों, और अगर दोस्तों हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और हमारी रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा पक के रेडी हुआ है छोला। और ये देखिए दोस्तों, हमारा पक के एकदम बढ़िया सा रेडी हो चुका है छोला और एकदम खाने के लिए रेडी है। अब आप इसको, और इसमें हम थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं ये हरे धनिए से। ये देखिए बहुत टेस्टी बना है हमारा छोला। दोस्तों, हमारी रेसिपी को आप अपने घरों में भी ट्राई करें, हमारी रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप इस छोले को पूड़ी, पराठा, रोटी, नान, किसी भी चीज़ के साथ खाएं, बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी लगेगा छोला हमारा। दोस्तों, हमारी रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, और ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।